और दोस्तों क्या हालचाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू रीसेट योर डिवाइस, यानी कि इस फोन को पूरी तरह से क्लीन एंड रीसेट कैसे करें। फोन में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है या अपना फोन सेल करना चाहते हैं तो एक बार फोन को रीसेट जरूर करें। फोन रीसेट मारने से पहले मैं आपको बता दूं, डिवाइस में मिनिमम 60% बैटरी रखिए। फोन में जितने सारे फोटो, वीडियो, जीमेल अकाउंट, इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है, मोबाइल को रीसेट करने से पहले उन सभी डेटा का बैकअप ले लीजिए या पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेना, क्योंकि रीसेट करने के बाद सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस मोबाइल को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करेंगे फैक्ट्री, फिर आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप सीधा फ़ोन रीसेट ऑप्शन में जा सकते हैं। या तो फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ अबाउट फोन पर क्लिक करिए, इसके बाद फैक्ट्री सेट। फैक्ट्री सेट के अंदर आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने फ़ोन से सभी इंपॉर्टेंट डेटा बैकअप ले लिया है। अब इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करेंगे। फ़ोन फॉर्मेट करने से पहले लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एंटर करना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बैकअप आइटम फास्ट। अगर आपने इस फ़ोन पर कुछ बैकअप लेके रखे हैं तो उस डेटा को दूसरे किसी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लेना, नहीं तो सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आपका फ़ोन फॉर्मेट होने जा रहा है। यहाँ 10 सेकंड का टाइमर ख़त्म होते ही नेक्स्ट दबाना है। आपसे दोबारा पूछा जाएगा कि आपने सभी डेटा का बैकअप लिया है। इसके बाद 10 सेकंड का टाइमर ख़त्म होते ही ओके कर देना, फिर आपका डिवाइस रीसेट होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपका डिवाइस पूरी तरह से रीसेट ना हो जाए तब तक आप इस फ़ोन को चालू या बंद करने का कोशिश ना करें। डिवाइस फॉर्मेट होने में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक आप इंतजार कीजिए। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे MIUI 14 का लोगो आ चुका है। आप इस डिवाइस को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।